राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। तो अभी इस टाइम पर बजियाँ तो पैर के पूरे 12 है वे दे सच्चे जमा पूरे 12 बजिए दोपहर का। सगर दोपहरे का टाइम है जिस टाइम पर मैंने लोग की शुरुआत कर दी है। और ईव मैं नहा धो ली हूँ क्योंकि जमा पसीना हो रही थी। जब मैं थोड़ा सा भी काम कर लूँ ना, मेरे इतने पसीने आवा, मैं जिंदगी में मेरा आज तक कितने पसीने नहीं आए। अरे गर्मियाँ में तो मेरे खास कर पसीने आया को नहीं करें थे, लेकिन ईब की गर्मी तो जमा ओखी हो रही है काटनी साचे। बस ईब नहा दो कन है मका, चलो वो लोग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। और भैया हमारे यहाँ पे मौसम दिखाऊँ कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ पे मौसम का हाल कुछ इस तरीके से है, हल्की हल्की बारिश हुई है, एक बार तो सही आ गई थी तेज सी, फिर बंद हो गया, नहीं दोबारा फिर शुरुआत हो हल्की फुल्की सी। धरती ठंडी कर दी है, बाकी ठंडी ठंडी बाढ़ लागे जाएगी। और अभी के लिए किसाना खातर बारिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा हमारा खातर भी, क्योंकि है ना डिग्गियाँ पानी खत्म हो रहा है। हमारी टुंटी ना आने दे, मैं कह लानी थी माई टुंटी आज भी को नहीं आई है, मन लगता नहीं आज भी आऊँगी, तड़के आऊँगी मेरे हिसाब से। तो डिग्गियाँ का पानी खत्म हो चुका है, जमा बिरैन माटी हो रही है इस गाँव में। तो पानी की साचे आड़ते तो जमा भाजन ने जी कर रहा है, दूसरे गाँव में बसण ने जी कर रहा है। हाँ बाकी चलो अच्छा है, नए घर में जो पानी खातर स्टोरेज वाला सिस्टम करवाया नीचे ओदगा, वो वाला सिस्टम बहुत बढ़िया। रोड तो पानी की कोई समस्या भी को नहीं हो, बस ये आड़े बिरानी चले तो तोड़ा पेंडा छुट जाओगा आड़े तो भी। और जगह नहीं, तेज बरसात या ना राड़ को पाइप में को पानी आने लग गया, तो मैं तो भरण जू भी को नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पर इतनी देर बैठा जावे और फिर मैं भज भज के मैं रतानी भी पड़ेंगी भी, इतनी भारी भारी बाल्टी कुकर रताऊंगी ठाठा करने, तो समस्या ही हो जाएगी। बाकी मन तो लगता नहीं इतनी तेज बरसेगा, बरस लिया जितना बरसना था, ठंडी धरती करनी थी वह कर दी है, रेत सा दैब दी है राम ने। और आपका कैसा मौसम हो रहा है कमेंट में जरूर बताइयो। और देख लो इतनी बार में मेरे जमा सांस चढ़ गए। और या देखो भाई अमित जी की शॉपिंग दिखाऊंगी, केक के कुछ माल लेके आ रहे हैं ये, कल इनका डब्बी के लासी जा रहे थे ले आने थे इनका डब्बी ना कपड़े खुद के, लेकिन ये भी गेल शॉपिंग कर ले, दिखाऊंगी बाद में क्या कुछ लेके आए हैं। बिल्कुल साफ सुथरा माहौल बना हुआ है घर में, कति एकदम चकाचक, टुकड़ी टाकड़ी भी ऐसा मियाड़ी भी साफ कर दी थी आज तो मैंने। बस आड़ मारे तो किड़ियाँ का बगन हो रहा है साची, कड़े कड़े कुछ इधर लोड़े किड़ी चढ़ जाए। और लो जी मोवाला घेवर खा लो, खोल के दिखाती हूँ मैं आप सभी को। अमित जी कल लेके आए थे तो ये देखो जी खा लो। सीमा दीदी आज आपने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है घेवर। और ये फिलहाल मैं खाऊंगी वनस्पति। कल है ना अमित जी वनस्पति लेके आए, अरे है ना मैं कल रोटी खा कर जमा नुच्छो करी जमा पेट पाटन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक वनस्पति तो जब भी खाएगी तो मैंने वनस्पति इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ये फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा। दोपहर ही कर लिया था रेस्ट, ईब सुती उठी हूँ, बस मिस्त्रियों की जो चाय है ना 3:30 बजे वाली तो वह बना कर नहीं पहुँचाई है, पापा जी आ गए थे लेन। और ये भी इस टाइम पर हो रही है 4 बजे हो रही है, 15 मिनट रह रही है। और आज तो गजब की नींद आई साचे, बेरा भी निपाटे जमा चप देसी गई और काफ़ी देर तक सोई आज मैं। आज तो है ना जाडा चढ़ा दिया जमा, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, और जो पानी है कूलर में वो भी कौन चला रखा था मैंने, लेकिन फिर भी है ना जमा जबरदस्त जाडा चढ़ा दिया था, तो खेस खास उड़ करने सोई। फिर जमा एंडी नींद आ गया, आज तो जमा एसी वर्गी कति फीलिंग आएगी एसी वाली फीलिंग आएगी आज तो, कूलर ने एसी फीलिंग दे दी। बोतल ठह लियो क्या, की बोतल ठह लियो, पंखे पंखे बंद कर देवा। और ईब मैं हांड क्या हूँ प्लाट कानी, क्योंकि जाए मने 2 दिन हो गए कम से कम, एक दिन गई थी फिर वो बार बार तो आ गई थी, मैं मिस्त्री लाए थे भीतर तो जा तो मैं बार बार तो आ गई थी देख कर, दूध भी ले आऊँगी मामा कहते हैं और प्लाट भी देख आऊँगी, गेट वाट है जो वो बंद कर देती हूँ। और फिर आकर है आप सभी तय मैं दिखाऊँगी अमित जी की शॉपिंग, ठीक है ये शॉपिंग करके लेके आए हैं अमित जी। ओके प्लाट में
अच्छा तो क्या कोनी जरूर तो है रहेगी होते हैं। आज अच्छी तरह दिखाऊंगी कि कुछ हो लिया। ओ सही कर दिया है तो। सही हो और क्या नो? इसकी तो जाए लिए ना सबसे। और ये तो जाए लिए हटियो। पत्थर पत्थर रह गए ये आड़ लग गए जाएंगे तो। वही रह रही है इसकी तो रह रही है यानी गाड़ी इसकी तो। अच्छा और रह गया दोनों का टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा मोटा इनका बीच बीच पे को धरियो पा ऐसे। आज जे लाई है करे आए हैं आज जे लाई है। चेयर दोनों काम चेंज नहीं करता लगो चेयर। तो ये देखो भैया हमारे घर में कहाँ कहाँ पे टाइल लग चुकी है दिखाती हूँ अभी आप सभी को। देखो मेन एंट्रेंस भी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक रसोई रहेगी और उरे थोड़ी बहुत आज लिपाई सी हुई है तो उरे को रह गया थोड़ा सा वो और वो बस। फिर बाहर ही चले जाऊँगी मैं, फिर बाहर लाग जाऊँगी बाहर। यस कल बाहर चले जाऊँगी मैं कंप्लीट कर करने वो सारा सौदा। और मिस्त्री तो बाहर लग गए हाँ मतलब ये बाहर चले गए ले। हाँ देखे सुथरा सुथरा लग गई घर मारा फिर तो लगना है टॉप का। बाकी सफाई कर देन भी बहुत मेहनत लगेगी देख लियो भाई दीदी आपने करनी है इनकी साफ सफाई सारी। और बाकी इन ग्रिल्ला का बहुत ही कम जो सीमेंट वो लागन पावे है क्योंकि ढक दे जिस टाइम पे वो लिपाई वगैरह हो है। ये बेबे बोर्ड का ही बटन तोड़ रखे है तो चलो ऊपर भी चलते हैं या आज हुई है करया। देखो ये भी कंप्लीट हो चुकी है या आज हो ही पाओगे नहीं देख ले। सुबह रे इतनी गर्मी कर रखी थी फिर बरसा भी दिया सिवरक भी कर दी और इब दोबारा फिर तक गर्मी कर दी राम ने ईसा भी कणकर ठहरे हमारे के लिया। और फिर बस यह ऊपर ऊपर की छत और रह जाएगी इस पर जो भी ईंट पत्थर जो भी ये ईंट बिछकन है दोबारा तो पक्की होगी या फिर। कितने दिन का काम रह गया? 15-20 दिन तो टुकड़ी वाला ही करवाने का था। हाँ पंद्रह दिन 20 दिन रोटी पानी का 2-4 दिन कि में हो जाए तो काम धाम। की लग गई काला पत्थर। अच्छा सही है ब्लैक पत्थर। एक बाथरूम भी रह गया हूँ तो कल बाकी पूरा हो जाना चाहिए बाथरूम वो अरवा फिर मंदिर भी। और सीमा दीदी और ज्योति दीदी आप दोनों को मैं न्योता दे रही हूँ ये टुकड़ी टाकड़ी आप साफ करोगे आकर ने आप संभालोगे घर बार। ये बस जल्दी बुलाने वाले हैं हम आपको तैयार रहियो ठीक है ना जी। मैं जल्दी बुलाने वाले हैं नंदो को यह सारी साफ सफाई आप दोनों के बांध है नी है ना किते समट जमी पाओगी रगड़नी भी पड़ेंगी बहुत तो वो है सफाई का काम है यो।
मन ने करना मैं तो ही ब्लैक जूं रे कदे आप नो सोचो मैं तो ही बैठी बैठी रगड़े जाऊं रे। हाँ जी, तो मैं आप सभी तय अमित जी की जो शॉपिंग है वो दिखा देती हूँ कि के खरीद कर लेके आए यार। जब शॉपिंग करके आया करें, जब जमा छप्पड़ पाड़ कर शॉपिंग करके आया कर रही हैं, तो के कुछ माल पानी लेके आ रहे हैं वो दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो सबसे पहले तो ये कपे देख लो। ये कप है ना भाई, क्यों लेके आए, क्योंकि है ना इब जितने भी माटी के कोप थे नहीं कर पाए कप जो भी चाय पीने वाले, तो वो सारे जा रहे हैं प्लाट में और उनके सारे टूटगने टूट लिए। माँ माटी के कप तो काम कौन दे, मैं स्टील के लेकर आई हूँ। तो फिर ये स्टील की जो छोटी छोटी सी गिलासी है ना, ये लेके आए हैं, छः हैं इसमें, छः का सेट है यो। तो ये देखो ये गिलासी लेकर आए हैं, इसको ऊपर जो डिज़ाइन सा छिप रहा है, छः गिलासी हैं, ठीक है छोटी छोटी ही सही काम आ जाएंगी। ये स्पेशल और स्पेशल मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि जितने भी माटी के कप छह लिए सारे टूट लिए, घर आए कभी नहीं रह रहे हमारे। और ये लेके आए हैं घर खातर, क्योंकि घर पर भी भाई कई बार गेस्ट आ जावे हैं तो दिक्कतें सी माच जावे। एक तो मैंने जो गिलासी है ना वो काट रखी है छोटी छोटी, तो मका स्टील क्या मतलब केस उतरा लग गया मेहमान था दिन दहाड़ी। तो ये कप जो है माटी के कप घर खातर लेके आए हैं ये वाले, ठीक है डिज़ाइन दिख रहा होगा आप सभी ने। और अमित जी की पसंद ही देख लो कैसी अच्छी है कैसी है, आप बताइए कमेंट करके ना, ठीक है। ये भी कप मैंने अच्छे लगे, बढ़िया छोटे छोटे हैं, घने बड़े भी को नहीं, ठीक से हैं साइज के, संभाल कर ना रखूँगी। और मैं चाहूँ कि भाई नए घर में यूज करूँ इन्हें, बस जब भी कोई गेस्ट आऊँगा जब काट लूँगी जितने भी कप काटने हैं, अभी पे उल्टे सेट करके अंदर दूँगी इन नौ रज चाऊँ जो कोनी। और तीन जो है ये कैपरी लेके आए हैं अपने लिए, और ये मैं दिखा दूँ जूते को अपने फिर दिखाऊँगी बाद में, और दिखा देती हूँ और के कुछ है। और इसमें है बस ये बनियान है, इनकी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी बनियान, तो मैं ले आई हूँ बनियान तो पक्का तभी पक्का। दो जो है ब्रश लेकर आए हैं, क्योंकि है ना ब्रश हमेशा सिर्फ 3 से 4 महीने ही चलता, फिर उस वो एक्सपायर हो जाता, तो उसको फेंक देना चाहिए। मैंने कितने देखा था, एक डॉक्टर ने बताया था मेरे, मतलब यूट्यूब पर मैं वीडियो देखने लगी थी जब आई थी मेरा सहमी कि एक ब्रश की जो के क्या करें जीवन जो है वो सिर्फ 3 से 4 महीने तक का ही होता है, तो उसके बाद बदल लेना चाहिए। तो इसीलिए दो ब्रश लेकर आए हैं, और साथ में वो कित गए मैं अभी थे, और एक ये लेके आए हैं मतलब जीभ वगैरह साफ करने के लिए। और ये देख लियो इनके जूते, किसे जूते लेकर आ रहे हैं, माँ इतने महंगे जूते हो या करो बता, इतना मतलब 3-4 जोड़ी आ गया जितने की हैं एक जोड़ी लेकर आ रहे हैं। और जूते चलो कोई नहीं इनकी पसंद है, तो ये जूते हैं जी इस तरीके से, ये दे ब्लू तड़ा है इनका, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन है, भारी भी हैं ये तो, बाकी सही है। मतलब जो इनके पास जो जूते हैं ना, मैं जाली वगैरह है मैं तो धुंध जान भी, जब मैं डर लगा ब्रूस मार जान भी कदे, क्योंकि जाली वाले जूते पर ब्रूस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर मुझे बहुत जल्दी ख़राब हो जाए मैं। और ये शायद लेदर है, वो सारा का सारा सारा लेदर है, अरे इतने ज़्यादा बूंदे भी को नहीं हो है, मैल जमे को नहीं है इन पर। तो ये जूते भाई बस आने जान में रखने हैं मखा, बाकी दो जोड़ी इन पर दरी भी हैं मखा, यहाँ कितने मेन जगह पर आना जाना हो ना भाई, ससुराल में जाना हो नू तो मखा जब ये पहाड़ खातर दूंगी इन्हें संभाल कर दर दर कर रखूँगी। तो ये जूते हैं, और एक ड्रेस जो है आप मेरी भी देख लो, या मैंने भी ख़रीदारी की है भाई, देख लो मेरी भी ड्रेस। यो एक जो सूट है भाई मैंने थोड़ा हा आन जान खातर ख़रीदा है, जैसे भाई हॉस्पिटल में जाना हो तो यो जो सूट है ना यो ख़रीदा है, गाजरी सा कलर है इसका, और पूरे पे इस तरीके का कुछ वर्क है डॉट डॉट से, और गला पे यो वर्क हो रहा है इसका, ये लटकन सी है यो गला है, और इसका नीचे है वाइट प्लाजो, बिल्कुल प्योर सूती वाइट, बिल्कुल प्योर कॉटन में है सारा ये सूट।
और वाइट प्लाजो कि मैं नो भी खरीद लिया मैंने, क्योंकि है ना इसके नीचे वाइट प्लाजो था, और मेरे कई जो अनारकली वगैरह है ना उनका नीचे वाइट प्लाजो ही मैचिंग मैचिंग हुआ है, तो इस वजह से मैंने वो ले लिया, क्योंकि मैं पहना को नहीं वाइट प्लाजो पजामी है। तो जी यह आई थी बस शॉपिंग, देख लिया आप सभी ने कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट करके। तो चलो जी फिर अब इस ब्लॉग का कर दूँ मैं एंड, मिलूंगा आपसे को नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग पसंद आता है चैनल लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा टेक केयर।